अगर आप ये सारी चीजों को अच्छे समझ जाते हैं तो एग्जाम में आने वाली जो 5 नंबर की जर्नल एंट्रीज हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्विक रिवीजन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का रिवीजन, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा चैप्टर है जिससे पिछले 3-4 साल से सिर्फ जर्नल एंट्री आ रही है, तो बेटर हम एक बार सारी जर्नल एंट्री को रिवाइज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, एक बात ध्यान रखें, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं ये सारी जर्नल एंट्रीज एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद की है, इसलिए यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट को कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री, जब आपने जो एसेट ट्रांसफर की है, जब आप उसको बेचते हो, वो बिकती है, तो जो भी वैल्यू निकल कर आती है उसको बोला जाता है कि एसेट रियलाइज हुई है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जितने भी रुपए से आपकी वो एसेट जो भी है बिकी है, उतने रुपए से ये एंट्री जो होगी वो पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है, आपने कोई लायबिलिटी पे की तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पे करोगे तो पैसा आपके बैंक से जाएगा, तो डिक्रीज इन एसेट। वहीं अगर बात करें, व्हेन एसेट इज गिवन टू पे लायबिलिटी, देखो कभी कभी बताया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत सारा स्टॉक था हमारे पास और किसी क्रेडिटर को पैसे देने थे, तो हम क्या करते हैं पता है, स्टॉक उठा के क्रेडिटर को दे दिया। इससे क्या हुआ, ना स्टॉक का पैसा आया कुछ, ना तुमको क्रेडिटर को कुछ पैसा देना पड़ा, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी पैसा ना आया ना गया, इसलिए इसकी हमेशा ध्यान रखना कोई एंट्री पास नहीं होती। जब कभी भी किसी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए कोई एसेट दे दी जाए उस टाइम पर एंट्री पास नहीं होती। अब बात करते हैं, जब कोई एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, मतलब ये कि ऑब्वियसली बात है कोई एसेट जो थी वो बिक नहीं रही थी, रियलाइज नहीं हो रही थी, तो पार्टनर बोला अपुन है ना, अपुन खरीद लेगा, अपुन जिंदा है, वो मुझे दे दो, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट था वो बिक ही नहीं रहा, तो एक पार्टनर बोला कि मैं ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जर्नल एंट्री होगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, पार्टनर ले गया, तो फर्म पागल थोड़ी जो पॉकेट में दे देगी, फर्म क्या करेगी, उसके खाते से पैसे काटेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये होगी इसकी एंट्री। अब व्हेन अ पार्टनर इज एग्रीड टू पे लायबिलिटी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कोई पार्टनर था, कोई लायबिलिटी पे करनी थी हमें, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन पे करना था या फिर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वाले वगैरह था, ऐसा कुछ वो पे करना था, पार्टनर क्या बोला पता है, रुको जरा मैं पे कर देता हूँ। अब पार्टनर ने क्या किया, फर्म से बोला मैं पे कर देता हूँ, तो पे पार्टनर ने किया, लेकिन फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है भाया कि पार्टनर ने जो पेमेंट दिया है हम पार्टनर को पैसे दें, ठीक है। तो यहाँ पर बात वही हो जाती है कि फर्म क्या करेगी, जितने भी पैसे उसने पटाया है फर्म उसको पैसा दे देगी, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बैंक क्यों नहीं आया, पार्टनर को पैसे दे देगी, तो ना 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 ना, जब कभी भी पार्टनर से पैसा लिया जाए या पार्टनर को पैसा दिया जाए तो कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी आउटसाइडर को अगर आप पैसा देते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते हो, ठीक है, यहाँ पर से वैल्यूज ट्रांसफर होती है, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें नेक्स्ट चीज की, तो व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, ये बहुत ध्यान से समझ लो। देखो भाया, बात ऐसी है ना कि सारी एसेट और सारी लायबिलिटी को तुम कहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में तो ला लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, उनमें से ही एक है लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। मतलब जब कोई पार्टनर फर्म को लोन दे या फर्म पार्टनर को लोन दे, तो ये दोनों तरीके के जो लोन होते हैं, जो कि एसेट और लायबिलिटी होते हैं अलग अलग, वो ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं होते। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी इनका पेमेंट होगा या पेमेंट रिसीव होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट का ऐसा कोई मेजर जिक्र नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो एसेट या लायबिलिटी थी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई, ठीक। अच्छा, तो ध्यान समझना जरा इसको, व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात है आप पार्टनर के लोन को पे कर रहे हो, तो फर्म की क्या होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। फर्म ने लोन ले रखा था, ऑब्वियस सी बात है जब पे कर रहे हो तो लायबिलिटी घट जाएगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इसलिए डेबिट हुआ। एट द सेम टाइम पैसे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी घट जाएगा, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ठीक, इसलिए एंट्री पास हुई, ठीक। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हेन लेस अमाउंट इज पेड टू पार्टनर इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि किसी पार्टनर फर्म जो है उसने किसी से लोन लिया रहा था पार्टनर से, ठीक है,
मान लो 15,000 रुपए का लोन था, ठीक। अब फर्म ने पता है क्या किया, फर्म ने बोला अरे यार ऐसा कर रहा है तो पार्टनर है यार ऐसा मत कर, तो 15,000 रुपए के बदले में फर्म ने 13,000 रुपए टिपा दिए कि नहीं हाँ ठीक है ठीक, वो भी मान गया। इससे क्या हुआ, फर्म की लाइबिलिटी तो 15,000 वाली कम हो गई, लेकिन पैसे तो कितने गए, पैसे सिर्फ गए कितने 13,000। तो ये 13,000 से होगा, ये डेबिट होगा लोन की वैल्यू से, और जितने बीच का डिफरेंस है, देखो रियलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा विद द डिफरेंस वैल्यू, जो भी गेन हुआ है एडिशनली, ठीक। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं आगे की, व्हेन रिपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन रिसीव्ड। अब ये जो अभी तक जो चल रहा था वो लाइबिलिटी वाली बात थी, अब एसेट वाली बात है। फर्म ने किसी अपने पार्टनर को लोन दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा देगा, वो जब पैसा देगा तो फर्म के पास तो पैसा आ जाएगा। एट द सेम टाइम फर्म की जो एसेट थी, कह रहे हम कुछ से पैसे लेने थे, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब सेम वाली बात कि भाई पार्टनर जो है उसको लोन दिया था फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का, लेकिन पार्टनर बोले एक काम करो 13,000 ले लो ना यार ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारे ही तो पार्टनर हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, फर्म को पैसा तो 13,000 देगा वो, क्योंकि रोध हो के तो उसने पैसे दिए हैं, 13,000 रुपये देगा, ठीक। अब यहाँ पर लेकिन फर्म की जो एसेट थी तो वो तो पूरे से ही कम हो जाएगी 15,000 रुपये से, कि भाई वो तो 15,000 वाली था और गया पूरा, बोल रहा है कि फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, ठीक। तो इस टाइम पर क्या हुआ, लॉस हुआ 2,000 रुपए का, तो लॉस जो होगा वो रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक। ओके, अब बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, बहुत ध्यान से समझने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, बॉर्न और पेड का मतलब क्या होता है। बॉर्न का मतलब किसके मत्थे आ रहे हैं, और पेड का मतलब कि पे कौन कर रहा है। अब ये क्या बात हुई, एग्जाम्पल से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा दोस्त पानीपुरी खाने गए, ठीक। मैंने बोला चल मैं तेरे को पानीपुरी खिला रहा हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास थे ही नहीं, तो फिलहाल पैसे किसने दिया, उसने दे दिया पानीपुरी वाले को, जिसको बोलेंगे पे उसने किया, लेकिन बॉर्न कौन कर रहा है, मैं, कि पानीपुरी मैं खिला रहा हूँ उसको, मैं उसको बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते बॉर्न करना और पे करना, ठीक। अब व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म ही बॉर्न कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, तो इसको क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक बात ध्यान रखो, फर्म का घाटा है क्या, ऑब्वियस सी बात है घाटा तब होगा जब फर्म अपने मत्थे लेगी, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म बॉर्न भी कर रही है पे भी कर रही है, तो फर्म के लिए तो घाटा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। टू, पे भी फर्म ही कर रही है तो पैसा भी फर्म के बैंक अकाउंट से कटेगा, ठीक। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, वही वाली बात हो गई कि पानी पूरी खाने के लिए गए दोनों, मैं बोला मेरे मत्थे आएगा लेकिन पेड तू कर, ठीक। तो इस टाइम पे क्या होगा, मैं अपनी बुक में जब एंट्री करूंगा तो भाई मेरे मत्थे आया तो मेरा तो घाटा है, क्योंकि मैंने बोला चल ठीक है बाद में दे दूंगा तुझे, और बाद में दे दूंगा दैट मीन्स आई हैव टू पे दैट, मतलब मुझे उसके मतलब उस पार्टनर को वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी जिसने पे किया है, ठीक। तो एक बार फिर से समझो, यहाँ पर एक्सपेंसेस बॉर्न में कर रहा हूँ, मतलब फर्म बॉर्न कर रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, जो भी पार्टनर पे करेगा फर्म उसको वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, ठीक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, व्हेन रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म, वही वाली बात कि यहां पर पार्टनर जो है ना वो बोला मेरे जिम्मे मेरे मत्थे ले रहा हूं मैं बॉर्न कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल फर्म तुम दे दो, फर्म पैसा देगी तो ऑब्वियस सी बात है फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, ठीक। लेकिन फर्म ने अपने मत्थे ले गया, फर्म का घाटा है कि नहीं, क्यों नहीं है घाटा फर्म का, क्योंकि उसने बोला कि मेरे मत्थे लूंगा, तो अब फर्म क्या करेगी पता है, फर्म बोली अरे मैंने तो बटा दी तेरे खाते से पैसे काटूंगी क्योंकि तूने बोला था कि मेरे मत थे, ठीक। तो जो फर्म होगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या करेगी, पैसे काट लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टनर ने बोला कि मैं बॉर्न करूंगा, ठीक। और पे फिलहाल कौन कर रही, फर्म कर रही, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बात करते हैं व्हेन फर्म डिसाइडेड टू पे रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो पार्टनर को ये सब रियलाइजेशन के काम करने के लिए रिम्यूनरेशन वगैरह देती हैं, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है रिम्यूनरेशन देना फर्म के लिए घाटा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा जिसको भी रिम्यूनरेशन दिया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, पानीपुरी खाने गए, मेरे दोस्त ने बॉर्न किया और मेरे दोस्त ने पे किया, बोले मैं ही दे रहा हूँ मेरा ही मत है ये, ठीक है मुझे क्या भाई, मैं क्या करूँ, मैं फार्म हूँ, फार्म अपनी बुक में तो कोई एंट्री करेगी नहीं, खत्म कहानी, ना मेरा लॉस, ना मैं पे कर रही, ना मैं पे कर रहा, फार्म की बात कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पर इसलिए नो एंट्री होगी। अब बात करते हैं
नेक्स्ट की, व्हेन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, जब सारे ताम झाम हो जाते हैं तो रियलाइजेशन का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट अगर निकल कर आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और वो जो प्रॉफिट रहता है ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएंगे। ध्यान रखो सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे इन दियर रेशियो। वहीं अगर बात करें लॉस अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी अपोजिट एंट्री होगी, जो भी लॉस रहता है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा और टू क्रेडिट हो जाएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखो ये सारे पार्टनर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये सारी चीजों को अच्छे समझ जाते हैं तो एग्जाम में आने वाली जो 5 नंबर की जर्नल एंट्रीज है उनको आप इजिली कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।